सो है फ्रेंड्स, आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत करती हूँ। सो गाइस, आप लोगों का अगर घर में सिलेंडर है या फिर गैस सिलेंडर देखा है आपने, इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आप लोग जैसे कि पानी खरीदते हो, बिस्किट खरीदते हो या फिर कुछ खरीदते हो दुकान से, तो सबसे पहले आप लोग क्या देखते हो, उसका प्राइस, और उसके बाद क्या देखते हो कि उसका एक्सपायर डेट। लेकिन आप लोग इतना 1000-1500 से आप लोग एक गैस सिलेंडर खरीदते हो, लेकिन आप एक्सपायर डेट का भी देखते हो क्या? कभी नहीं। यानी साल के 4 महीना, मान लो कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, तो जनवरी से अप्रैल तक 4 महीना, तो अगर A23 है तो मान लो कि वो सब पहले महीने से जितने भी 4 महीने हैं उसके अंदर एक्सपायर होगा। और मान लो कि सेकंड अगर लिखा हुआ रहता है कि B-23, तो वो उस 4 महीने के बाद वो 4 महीना, ऐसे करके ये अपने जो 12 मंथ है उसको 4 महीने के डिवाइड कर लो, और जितना 4-4 महीना है उसने, मान लो A23 तो फर्स्ट 4 महीना में एक्सपायर होगा, B23 तो सेकंड 4 महीने में एक्सपायर होगा, और ऐसे सी और डी ऐसे भाग हुआ रहता है। तो अगर डी में है 23 में तो एक्सपायर है, मान लो ये 23 है। अगर B22 है तो 2022 में सेकंड 4 महीने में वो एक्सपायर हो चुका है। और अगर है ऐसा है कि D24, तो उसका मतलब लास्ट 2024 की लास्ट 4 महीने में एक्सपायर होगा। तो ऐसे आप लोग इजी तरीके से पता लगा सकते हो कि एक्सपायर डेट, उसका एक्सपायर डेट हुआ या फिर नहीं हुआ, या फिर आने वाला टाइम कब होगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।